सो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ मेबलिन के फिट मी कंसीलर का. सो हेयर इट इज. सो दिस इज इन द शेड 20. सो आज मैं इसका रिव्यू करूंगी और आप लोगों के साथ इसकी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि ये किस तरह का है और मेरी स्किन पर इसने किस तरह से वर्क किया. लाइक मेरी स्किन जो है ऑयली स्किन है और अभी विंटर्स चल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई थोड़ी सी ड्राई हो गई है. लेकिन फिर गर्मियों में भी आपको रिव्यू दूंगी, बट अभी सर्दियां चल रही है सो उसके हिसाब से रिव्यू करते हैं. वेल हाई गाइज, दिस इज मी एलिफ एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट इन टू द वीडियो. एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. सो अभी मैंने जस्ट अपने आईब्रोज को सेट किया है, ब्लश अप्लाई किया है एंड थोड़ी सी लिपस्टिक अप्लाई की है. एंड साथ में ही मैंने थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई किया हुआ है. लाइक मस्कारा भी मैंने ओवर नहीं किया जो कि नेचुरल लगता है, जस्ट इतना ही अप्लाई किया है और अपनी स्किन पर कोई भी फाउंडेशन वगैरह अप्लाई नहीं किया. जस्ट मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की है और उसके अलावा मेरी स्किन के ऊपर कोई भी फाउंडेशन नहीं है, कोई भी कंसीलर नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो अभी मैं मेबलिन के फिट मी कंसीलर का रिव्यू करूंगी. सो ये कुछ इस तरह का दिखता है. बल्कि इस कंसीलर बाय करने से पहले मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगी, लाइक जो कि मैंने भी यूट्यूब से सीखी है. काफी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स और मेकअप आर्टिस्ट जो करते हैं और जो उन्होंने बताया है, लाइक आपने जब भी कंसीलर बाय करना है अपनी स्किन से 2 शेड लाइटर कंसीलर बाय करें. मेरा मतलब है जब भी आपने कंसीलर बाय करना है अपनी स्किन से 2 शेड लाइटर बाय करना है, ना कि अपने फाउंडेशन से 2 शेड लाइटर. कुछ गर्ल्स क्या करती है कि वो अपनी स्किन से थोड़ा सा लाइट फाउंडेशन ले लेती हैं एंड जब वो कंसीलर लेने जाती हैं सो वो अपने फाउंडेशन के साथ मैच करके उससे 2 शेड लाइटर लेती हैं. सो जब भी वो अपने स्किन के ऊपर कंसीलर अप्लाई करती हैं सो उनका मेकअप जो है बहुत ज्यादा केकी लगना स्टार्ट हो जाता है एंड बहुत ज्यादा हैवी लगना स्टार्ट हो जाता है. दैट्स वाई आपने क्या करना है, आपने कंसीलर बाय करना है जो कि आपकी स्किन से 2 शेड लाइटर हो, ना कि आपके फाउंडेशन से 2 शेड लाइटर हो. सो आई होप आप लोगों को ये टिप समझ में आ गई होगी. अगर आप लोग अपनी स्किन से मैच करके कंसीलर लोगे सो बहुत ही काम आने वाला है आपके. तो ये कंसीलर जो है मेरी स्किन से 2 शेड लाइटर है एंड एग्जैक्ट मेरी स्किन शेड का भी मैंने कंसीलर लिया है. सो ये है क्रिस्टाइन का कंसीलर. सो अभी आप लोग देख सकते हो ये एग्जैक्ट मेरी स्किन शेड जैसा है और ये मेरी स्किन से 2 शेड लाइटर है. सो एक साइड पर मैं आपको क्रिस्टाइन का कंसीलर अप्लाई करके दिखाती हूँ क्रेस पर एंड दूसरी साइड पर मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ ये है मेबलिन का फिट मी कंसीलर जो कि मेरी स्किन से 2 शेड लाइटर है वो. सो गाइस मैं थोड़ा सा क्लोज आ जाती हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए. आई थिंक दैट्स इनफ. अब मैं ये वाली साइड पर अप्लाई करूंगी मेबलिन का फिट मी कंसीलर. ये अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसा है. लाइक ये जो है मेरी स्किन से 2 शेड लाइटर नहीं, एक्स्ट्रा लाइट लग रहा है. बट एनीवेज ब्लेंड करने के बाद ये मेरी स्किन से 2 शेड लाइट हो जाएगा. इसमें बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करने वाली, जस्ट थोड़ा ही अप्लाई किया है मैंने. लाइक मेरे लिए थोड़ा है, अब आप लोगों के लिए हो सकता है कि ज्यादा हो. मैं इसे ब्लेंड करूंगी अपने रिंग फिंगर से. अभी मैं ये वाला ब्लेंड करती हूँ एंड फिर देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. ओके, सो हियर वी गो. बल्कि इस कंसीलर अप्लाई करने के बाद आपने बहुत ही जल्दी इसे पाउडर से सेट कर लेना है.
वरना ये क्रीज करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। मेरे पास एक ही शेड का पाउडर है, सो मैं जस्ट ये वाले साइड को सेट करने वाली हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि ये वाली साइड को भी सेट कर लेना ही चाहिए, बट बिफोर सेटिंग दिस वन साइड, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो मेबलिन का फिट मी कंसीलर है, ये वाला द शेड 20, ये बहुत ही लाइट कवरेज का है, लाइक लाइट से भी लाइट वाली कवरेज है इसकी, बहुत ज़्यादा लाइट है। मतलब कि जब आप इसे अप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई भी कंसीलर वगैरह अप्लाई किया हुआ है। अगर आप लोग इसे एवरीडे मेकअप में यूज़ करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिसकलरेशन है आपकी अंडर आइज पे या फिर आपके फेस पर कहीं पर भी, तब आप एज रिवाइंड कंसीलर ले सकते हो, वरना अगर आपने एवरीडे मेकअप के लिए कोई कंसीलर लेना है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा ब्लश जो है थोड़ा सा लाइट हो चुका है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करूंगी। क्योंकि मैंने एक ही पाउडर से सेट किया है, दैट्स व्हाई दोनों का अभी शेड जो है बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा हो गया होगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कंसीलर आपके लिए बेस्ट है। सो क्रिस्टाइन का कंसीलर शेड 10 में है और मेबलिन का कंसीलर है वो शेड 20 में है। क्रिस्टाइन का जो कंसीलर है वो मीडियम कवरेज का है और मेबलिन का कंसीलर लाइट टू लाइट कवरेज का है। वेल, That's it for today. Hope you like the video. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, bye bye. यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देख के जाएं कि ये करीब से कैसे लगते हैं दोनों।